हरि ओम नमो नमः। प्रथमः स्कंदः अष्टमोऽध्यायः एकोनपञ्चाशत्तमः श्लोकः। बालद्विज सुहृन्मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रुहः नमस्यान् निरयान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः। हे कृष्ण, मया अस्मिन् महाभारते युद्धे बहुनां द्रोहः कृतः, नाशः कारितः, बहुनां प्रति मया तादृशः भावः स्थापितः येन पापभावः भवति, येन कालुष्यं भवति, येन प्रायश्चित्तं करणीयं भवति, अन्यथा मम मोक्षः न भविष्यति। फिर मैं हजारों साल पड़ा रहूं, लेकिन मम मोक्षः न भविष्यति। वर्ष अयुत अयुतैः, दस हजार अर्थात हजारों वर्षों तक मैं इस नरक की यातना में पड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे मेरा कभी मोक्ष नहीं होगा। प्रभु, मैंने महाभारत के युद्ध में बालकों का, द्विज ब्राह्मणों का और सुहृन मित्रों का और पितरों का जो ज्येष्ठ है, भ्रातृ भाइयों का, गुरु गुरुओं का, सबका मैंने द्रोह किया है। सबका मैंने अधिक से अधिक इतना मैंने द्रोह किया है, जिन द्रोह के कारण मम न स्याद निरयान मोक्षः, इस पाप से मेरा कभी मोक्षः नहीं हो पाएगा। किमर्थम न भविष्यति, मया द्रोहः कृतः, द्रोहः एतादृशस्य मम द्रोहः कदापि मोक्षः न भविष्यति। एतादृशस्य मम द्रोहः मोक्षः न भविष्यति, यतो हि मया बालानां, ब्राह्मणानां, मित्राणां, पितॄणां, पितृव्यानां, भ्रातॄणां, गुरूणां, सर्वेषामपि द्रोहः कृतः। कुछ पल मैंने भगवत भक्ति में नहीं बिताए, लेकिन केवल द्रोह में गया है। और कई वर्षों तक यदि मैं पूजन भजन भक्ति भाव करता रहूं, तो भी मेरा मोक्ष नहीं है, तो भी मेरी मुक्ति नहीं है। मेरी मुक्ति के लिए प्रभु मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हरिशरणम 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 मम हरिशरणम।